नमस्ते बच्चों, कक्षा 4 गणित में अपने आज अध्याय 12 भिन्न। तो इसमें प्रश्नावली 12 के प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, इसका चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न बनाइए। तो अपने पहले जो इसका पहला पार्ट था उसमें इस तरह के प्रश्न भी किए थे। तो पहला प्रश्न इसका देखिए, भिन्न बनानी है अपने को। तो जो चित्र है इसमें कुल भाग कितने हैं? 3 हैं। देखिए तीन भाग है ना इसके, 1, 2, 3, और इसमें से एक में एक छायांकित है, यानी एक में रंग भरा हुआ है। तो जब अपने भिन्न बनाएंगे तो अपने पढ़ा था कि जो छायांकित भाग है वो कहाँ लिखा जाएगा? अंश की जगह। तो इसमें एक में रंग भरा हुआ है तो अंश हो जाएगा 1। फिर जो कुल भाग हैं वो लिखा जाता है हर की जगह। तो अपनी भिन्न क्या बन जाएगी? 1/3। इसी तरह से दूसरा है। अब इसमें देखिए कितने भाग हैं। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कुल भाग हैं 6 और इसमें से 2 छायांकित है। तो 2 छायांकित है, ये अंश की जगह हो जाएगा, और कुल भाग हैं 6 इसमें, तो ये आ जाएगा हर की जगह। तो अपनी भिन्न बन जाएगी 2/6। इसी तरह से तीसरा है, देखिए अब इसमें भाग देखिए, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल भाग कितने हैं? 8 हैं। और रंग कितने में भरा हुआ है? देखिए 2 और 2, 4 में। तो जितनों में रंग भरा हुआ है वो अंश की जगह लिखेंगे, और कुल भाग 8 हैं वो हर की जगह लिखेंगे। तो भिन्न बन जाएगी 4/8। इसी तरह से इसका चौथा प्रश्न आप स्वयं करेंगे। तो जितने छायांकित हैं वो कहाँ पर आएंगे? याद रखना है अंश की जगह, और कुल भाग हैं इसमें वो आएंगे हर की जगह। आगे इसका दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को पढ़कर लिखो। जैसे 2 इसमें हल किए हुए हैं, ये भिन्न अपने क्या पढ़ते हैं इसको? 2/3। तो इसी तरह से इसको आगे लिख दिया 2/3। अब इसे क्या पढ़ेंगे अपने? 3/5। और आगे फिर इसको लिख देंगे 3/5। अब इसी तरह से ये 1/7, तो आपको लिखना है यहाँ पर ये 5/6, तो यहाँ पर लिखना है। फिर आगे देखिए पांचवा है, जो अब 1 और ये है 1/2, यानी आधा, यानी 1/2। तो इसे कहते हैं अपने डेढ़ कहते हैं, और लिखते कैसे हैं इसको? 1/2 बोलते हैं, और इसी तरह से इसको लिखेंगे तो 1/1/2 इस रूप में लिखा जाएगा। अब ये देखिए 2 और फिर 3/4, तो 2 पूरा और फिर 3/4 को कहते हैं अपने 3/4। तो इसे लिखेंगे 2/3/4, 2/3/4। इसी तरह से ये है, तो इसे क्या पढ़ेंगे अपने? 2/5/8। और इसी तरह से आगे लिख देंगे 2/5/8। आगे इसका तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखो। जैसे आधा है, तो इसे किस तरह से लिखेंगे अपने भिन्न के रूप में? 1/2 के रूप में। इसी तरह से देखिए पाव, अपने बोलते हैं ना पाव, जैसे दूध लाते हैं या कुछ भी इस तरह से, तो पाव भी क्या होता है? किलो का चौथा हिस्सा होता है, यानी 1 किलो है उसमें कितने पाव होते हैं? 4 पाव होते हैं। तो पाव को अपने 1/4 भी कहते हैं, याद रखना है पाव को, और क्या कहते हैं? 1/4, क्योंकि ये किलो का क्या होता है? चौथा हिस्सा होता है 1/4। तो 1/4 कहिए या पाव कहिए, एक ही चीज़ है। तो इसको अपने किस तरह से लिखेंगे? 1/4। फिर देखिए 2/3, इसे लिखेंगे 2/3। फिर देखिए 3/4, यानी 4 में से 3 हिस्से, तो
इसे लिखेंगे 3/4 यानी 3/4। फिर देखिए आगे पांचवा है डेढ़, तो डेढ़ कितना होता है 1 और आधा, तो इसे अपने अभी लिखा भी था 1/1/2, इस तरह से लिखेंगे। फिर देखिए आगे ढाई यानी 2 और आधा, तो 2 और इस तरह से आधा को लिखते हैं 1/2, तो जब अपने बोलते हैं इसको तो 2/1/2, ढाई को लिखेंगे 2/1/2 के रूप में। आगे इसका चौथा प्रश्न देखिए, चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए तथा से बड़ा से छोटा और बराबर का चिन्ह लगाइए। तो अब चित्र दे रखे हैं, यहाँ पर अपने रिक्त स्थान में इसकी भिन्न लिखनी है पहले। तो देखिए कितने भाग हैं इसके, 1, 2, 3, और उसमें से एक छायांकित है, तो भिन्न क्या बन जाएगी 1/3। इसी तरह से इसमें भी देखिए 1, 2 और 3 भाग हैं और 2 में रंग भरा हुआ है, तो देखिए 2/3 बन जाएगी भिन्न। अब हमें बताना है कि ये दोनों छोटी बड़ी कौन सी है, इनमें बराबर तो नहीं है देखिए, तो बड़ी कौन सी है। अब देखिए किस चित्र में ज़्यादा रंग भरे हुए हैं, इस वाले में तो यही बड़ी है। और अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर अपने को चित्र नहीं दे रखे हों और सीधा भिन्न देकर पूछे कि छोटी या बड़ी बताइए, तो ध्यान रखना है जब हर एक जैसे हों तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न हमेशा बड़ी होती है। तो अब इसमें 2/3 क्या है, बड़ी है, तो चिन्ह अपने पहले भी किया था, ध्यान रखना है बड़े की तरफ इस चिन्ह का खुले वाला सिरा रखना है, बस इस तरह से बड़े की तरफ मुंह खोलना है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा है, इसकी भिन्न लिखेंगे तो इसमें कुल भाग कितने हैं, 1, 2, 3, 4 भाग, और उसमें से 2 में छायांकित है, रंग भरा हुआ है, तो भिन्न बन जाएगी 2/4। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 भाग हैं और 2 में रंग भरा हुआ है, तो इसकी भिन्न भी बन गई 2/4। अब देखिए दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इसमें बराबर का चिन्ह आएगा। फिर देखिए जो तीसरा है, अब इसके में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भाग हैं इसके, 8 में से देखिए कितने में रंग है, 3 में रंग भरा हुआ है, तो भिन्न क्या बन जाएगी 3/8। और इसमें देखिए अब इसमें भी 1, 2, 3, 4 ऊपर है, इसी तरह से 4 नीचे, तो टोटल भाग 8 हो गए और 4 में रंग भरा हुआ है, तो 4/8 बन गई इसकी भिन्न। तो बड़ी कौन सी है देखिए, जिसमें ज़्यादा भाग रंग भरे हुए हैं, तो इसमें है, और अंश भी देखिए इसी का बड़ा है, तो ये भिन्न बड़ी है। आगे इसी का चौथा और पाँचवा भाग है, अब इसमें देखिए ये 4 चित्र हैं और इसमें से 2 में रंग भरा हुआ है, तो भिन्न क्या बन जाएगी 2/4। इसी तरह से अब इसमें भी 4 हैं और इसमें से 1 में रंग भरा हुआ है, तो इसकी भिन्न बन गई 1/4। अब देखिए कौन सी बड़ी है, तो किस में ज़्यादा, किन चित्रों में ज़्यादा रंग भरा हुआ है, इनमें पहले वालों में। और जब इन भिन्नों को देखेंगे आप, तो देखिए हर बराबर है, अंश किसका बड़ा है, इस भिन्न का बड़ा है, तो ये भिन्न बड़ी है। अब इसी तरह से इसका पांचवा है, ये आप स्वयं करेंगे, इसकी भिन्न बनाएंगे और फिर उसमें चिन्ह भरेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और 1 से 4 तक प्रश्न इन्हें हल करेंगे, आगे के प्रश्न अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।